सब्सक्राइब कीजिए यहाँ एवरीथिंग को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप Redmi 4A के नए वेरिएंट को किस तरह से फ्लैश सेल में खरीद सकते हैं, चाहे वो Flipkart हो चाहे वो Amazon.in हो। तो आप किस तरह से PC हो आपके पास या लैपटॉप हो या आपके पास Android स्मार्टफोन हो, तो आप किस तरह से फ्लैश सेल में खरीद सकते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों Redmi 4A का नया वेरिएंट यहां पर लॉन्च कर दिया गया है और मैं कहूंगा आप Amazon.in से ही खरीदें, क्योंकि ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो Amazon.in पर मैंने प्रूफ लाइव भी दिया है। तो आप, मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां से ही खरीदें, वैसे आप Flipkart से भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको Redmi 4A के फ्लैश सेल पर जाना है, जो कि यहां पर आपको मिलेगा Redmi 4A का सेल पेज मिलेगा, वहां आपको जाना है और Redmi 4A के नए वेरिएंट के लिए रजिस्टर कर लेना है। और सिंपली दोस्तों आपको मेरे इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके सामने एक प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन का होम पेज इस तरह से आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एड टू क्रोम कर लेना है। ये सब वर्क आप क्रोम में करेंगे और 10-15 मिनट पहले करेंगे, जी हाँ दोस्तों याद रखें सेल के दिन। उसके बाद एड टू एक्सटेंशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम तो पूरा हो चुका है। उसके बाद जैसे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर Flipkart का भी ऑप्शन यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है और मैं जितना बार भी यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ हर बार ये मुझे हेल्प करता है। तो प्लीज़ आप इसी एक्सटेंशन को यूज़ करें, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। देख सकते हैं यहाँ पर Flipkart के सेल पेज पर डायरेक्टली लेके चला जाता है। और हो सकता है कि अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जा रहा है, हो सकता है सेल के दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप इस तरह से इस एक्सटेंशन पर बिलीव कर सकते हैं, आपको Flipkart में भी मदद करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सटेंशन को ओपन किया और यहाँ पर Flipkart चूज किया। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपने Redmi 4A के लिए Amazon पर क्लिक करते थे कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए था, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। Amazon.in वाला आपको चूज करना है प्राइस ट्रैकर में। जैसे कि आप चूज करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर डायरेक्टली सेल पेज पर लेकर चला जाएगा ये। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नया यहाँ Redmi 4A का वेरिएंट भी अपडेट हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है उस वेरिएंट के लिए, अगर आपको 3GB और 32GB का वेरिएंट चाहिए तो। सिंपली आप देख सकते हैं ये आपके कार्ट में कर देगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप फायरफॉक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं प्राइस ट्रैकर। जी हाँ, फायरफॉक्स आपके पास होगा, आपके लैपटॉप में होगा, तो किस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और एड ऑन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, एड ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको क्रोम। पहले देख सकते हैं एक्सटेंशन का यहाँ पर मैंने सर्च टैप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है क्रोम। जैसे आप सिंपली आपको क्रोम सर्च करना है और इंटर जैसे आप मारेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्रोम मैंने यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद सर्च बटन का यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सर्च होगा। थोड़ी देर में यहाँ पर 2-3-4-5 एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखना है सेकेंड वाला, ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे आप इसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करें तो आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, फायरफॉक्स के सर्च बार में प्राइस ट्रैकर सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी कहीं पर ही नहीं जाना है। आप इसी वीडियो के नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आप कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड में देखेंगे आपको प्राइस ट्रैकर का यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको गूगल क्रोम के जो वेब स्टोर होता है वहां पर लेकर चला जाएगा ये पेज, और वहां पर प्राइस ट्रैकर। अब यहां पर देखें एड टू फायरफॉक्स, पहले आपको एड टू क्रोम मिलता था, अब यहां पर एड टू फायरफॉक्स मिल रहा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर सिंपली ध्यान दें कि आपको यहां पर एक थोड़ी देर बाद डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको टेम्प्रोरी इंस्टॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर टेम्प्रोरी इंस्टॉल करना है और जब जब भी इसे यूज करना है आपको तब तब ये इंस्टॉल करना है। अगर आप इसे कट कर देंगे फिर ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये इसको मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ। सिंपली आप यहाँ से जैसे आपने गूगल क्रोम में यूज़ किया था इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। सिंपली आपको जो वेरिएंट चाहिए Redmi 4A का या Redmi 4 का या किसी भी चीज़ का जो भी यहाँ पे अवेलेबल है इस एक्सटेंशन में, उस पे आपको क्लिक करना है। ये जैसे क्लिक करेंगे ये आपको उस पेज पर लेके नहीं जाएगा। सिंपली आपको Amazon.in सर्च करना है और उसके बाद Amazon.in में अपना आईडी जो है, दूसरा आईडी, एक तो आपने पहले
गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लिया है आईडी, और दूसरा कोई आपके पास अमेजोन का आईडी होगा साइन इन कर लेना है और सर्च करना है यहाँ पर रेडमी 4 या रेडमी 4A या नोकिया 6 जो भी चाहिए आपको यहाँ पर सिंपली सर्च बार में सर्च करना है। ये काम मैं अपने फायरफॉक्स में कर रहा हूँ, ध्यान रखें कि फायरफॉक्स में कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक सेल में मैं 2 से 3 फोन ऑर्डर करूँ तो मैं यहाँ पर दूसरा आईडी लॉगिन करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है इस एक्सटेंशन का, और मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया है, 100% वर्क करती है एक्सटेंशन, यहाँ फायरफॉक्स में भी करती है वर्क। आप सिंपली इस तरह से 2 आईडी अपना अभी तक अपने लॉगिन कर लिया होगा। अब सिंपली आपको फायरफॉक्स के फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्राइवेट विंडोज पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और यहाँ पर विंडोज ओपन हो जाएगा फायरफॉक्स का। सिंपली यहाँ पर भी आपको amazon.in सर्च करना है। अब यहाँ पर आपको तीसरा आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तीसरा आईडी लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा आईडी लॉगिन करने के बाद सिंपली फिर से वही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आप तीनों विंडोज़ को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर इस तरह से सजा लें और बारी बारी से देखते हैं कि सेल कब स्टार्ट होगा, और इसे तीनों को आप इसे रिफ्रेश करते रहें। आपको कहीं पर भी क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है, सारा वेरियंट आपके कार्ट में चला जाएगा अगर स्टॉक में ज़्यादा रहे तो, और आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, और आपका वही कहते हैं थोड़ा सा लक भी आपका साथ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंशन तो 100% वर्क करती ही है करती है, तो आप प्राइस टेकर पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये डेली अपडेट होता है, ये एक्सटेंशन डेली यहाँ पर आपके लिए वर्क करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि आप एंड्रॉयड में कैसे प्राइस टेकर को यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से सिंपली आपको फायरफॉक्स जो कि ब्राउज़र है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लगभग 35 MB का होगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली आपको देख सकते हैं एड्स ऑन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, सिंपली फिर से जो आपने लैपटॉप में सर्च किया था सर्च, यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटेंशन यहाँ पर देखना है, उसके बाद सर्च एक्सटेंशन में आपको क्रोम सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, क्रोम सर्च करना है, और क्रोम सर्च करने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपने किया था, इसे स्लाइड कर देना है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, इसे आप स्लाइड कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, इसे आप थोड़ी देर में ग्रीन होने दें। उसके बाद जैसे ग्रीन करेंगे यहाँ पर टिक हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि फायरफॉक्स में ये इंस्टॉल हो चुका है। और फिर से आपको सिंपली जैसे आपने लैपटॉप में किया था सर्च करना है प्राइस टेकर, आपको सिंपली फायरफॉक्स के ब्राउजर में जैसे सर्च करेंगे आपको सिंपली आपको वेब स्टोर पर लेके चला जाएगा, और वहाँ से आप प्राइस टेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल फायरफॉक्स, और यहाँ भी आपको टेम्प्रोरी ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप टेम्प्रोरी ही इंस्टॉल करें तभी ये वर्क करेगा। सिंपली आपको इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप amazon.in पर जाओगे, जितने भी परमिशन आपसे ये मांगे सबको आप अलाउ कर देंगे, तो ये जो प्राइस शेकर है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपली amazon.in पर जाएं और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर दें। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप वर्जन यहाँ पर सर्च करें, उसके बाद सिंपली आपको रेडमी 4A सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे देख सकते हैं आपको नीचे में सेम आपको प्राइस शेकर का यहाँ पर जो कि आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन, तो आप आसानी से, और ध्यान रखें कि दोस्तों आपको जो मोबाइल में ये वर्क करना है आपका मोबाइल का स्क्रीन हमेशा ऑन रहना चाहिए, जैसे लॉक हो जाएगा फिर ये प्राइस टेकर काम नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा अच्छा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप जरूर खरीदने में सफलता मिले तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।